अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख शुक्र है परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का। तो यहाँ पर बन रहे हैं मसालेदार वाले पकौड़े, रमजान आने वाले हैं तो क्यों ना आप लोगों से एक अच्छी सी मसालेदार सी रेसिपी शेयर करनी थी। वो है जी पकौड़े, और वो आपको तो पता ही कि आलू के पकौड़े जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे बूढ़े बल्कि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, वो शौक से खाते हैं। रमजान में जब तक जो ना पकौड़े ना हो तो खाने का मजा नहीं आता दस्तरखान पे। अगर पता है क्या, रमजान जब आते हैं ना तो माशाल्लाह से हम सबसे पहले जो ना तैयारी जो करते हैं ना वो करते हैं जी कि बेसन आया आए और चने आए, घर में चटपटी चीज़ें बने, हर चीज़ हम लोग बनाते हैं तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनेंगे। तो आज जो है ना वो है जी आलू के पकौड़े, बहुत टेस्टी मज़े के। तो यहाँ पर जो ना मैंने आलू की कटिंग कर ली है। अच्छा, आपने ना बारीक बारीक जो ना आलू कटिंग कर लेना है, मोटे मोटे नहीं काटेंगे क्योंकि ना हमने ना फिर अंदर से नहीं गलते नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने सारे ना आलू को काट लिया है, और यहाँ पर जो ये इसका मसाला है ना ये आपको किसी भी बाजार से मिल जाएगा। ये है जी पकौड़ों का मसाला, ठीक है? ये वाला नजर आ रहा है ना, इसमें हर चीज आपको ना मिलेगी, ठीक है? तो बहुत महंगी पड़ जाती है, अगर हम थोड़ी थोड़ी करके चीजें लेकर आते ना तो उनको बोलेगा कि पकौड़ों का मिक्स खाना है वो दे दीजिए, तो आपको, ठीक है? ये भी मैंने ले लिया था, लेकिन यहाँ से लिया था, जोड़ी बाजार गई थी लेने के लिए, तो वहां से मैं सब चीजें लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर हो गया है जी नमक, ठीक है? लेकिन मैं सोडा नहीं इस्तेमाल करती, सोडा वाले जो ना मुझे ना पकोड़े नहीं पसंद, ठीक है? तो यहाँ पर जो बेसन है ये मैंने ले लिया है। अब ये कितना है बेसन, ये है जी 1 पाव बेसन, ठीक है? और इसमें कॉर्नफ्लोर भी आपको नजर आएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर से क्या होता है आप लोगों को मैं एक बार बता दूँ। कॉर्नफ्लोर जो हम डालते हैं ना तो इसके अंदर जो ना क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको सब चीज़ों को मिला के हमने इनको जो ना इस तरह से हमने बेसन ना पतला हो ना गाढ़ा हो, चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो बेसन है इसको हमने घोल लेना है, ठीक है? तो अभी जो ना इसमें ऐड करना है हमने नमक, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जितना आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ, ये अपना अपना जी अंदाज़ा होता है, ठीक है? ये जो मसाला था ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सारा हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया। आपको पता है रमज़ान में ना बड़ी चटपटी चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और भी मैंने ऐड करवाई थी, वो थी कलवंजी, ठीक है? वो भी ऐड करवाइएगा, उससे ना पकोड़े बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है जी? सबको मिक्स करना है, सबको, बेसन को और सारे मसाले को। अपने हाथों से ही मैं तो बनाती हूँ, मैं चमचा इस्तेमाल नहीं करती। तो चलिए जी सबको मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसको मैं घोल लूँगी। थोड़े थोड़े पानी से इसको घोल लेना है। अच्छा, पानी को मैंने थोड़ा सा ना गर्म कर लिया था, ठीक है? तो इससे जो ना पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। मैं थोड़ा सा नरम ही रखूंगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूंगी ना ही ज़्यादा पतला रखूंगी। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको घोल लेना है। अच्छा, इसको घोलने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। बास लोग जो ना वो चमचे की मदद से जब बनाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनते और ना ही ना इतने सख्त बनते हैं, लेकिन मैं ना मीठा सोडा नहीं डालती, मुझे उसके पकोड़े नहीं अच्छे लगते। तो देखें जी इस तरह से आपने इतना गाढ़ा रखना है, ठीक है? ना ज़्यादा पतला है, और इस तरह से उंगलियों से आपने ये मेरे ऊपर छींट आ गई है इसकी, तो कोई बात नहीं, किचन में आपको पता जब तक गड़बड़ ना हो जाता है ऐसा। चले जी इसको अच्छी तरह से अपने 2-3 मिनट तक, 1 सेकंड तक इसको फैटते रहना है, फिर अच्छे बनते ही हैं, ठीक है? चले जी हो गया, ये देखें इतना ही गाढ़ा रखिएगा, ठीक है? चलें अभी इसको हमने रख देना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ठीक है? और फिर झटपट आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे, ठीक हो गया? यहाँ पर जो है ना फिर से यहीं बैठ के बनाऊंगी क्योंकि गैस हो गई है ख़त्म। अब जो ना गैस नहीं आ रही है और फिर परेशानी हमारे घर पे, आए दिन का ये रोना है। चले जी यहाँ पर जो है ना कढ़ाई हो रही है गरम, तो ये देखिए मैंने रख दी थी कढ़ाई, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ना किस तरह से बनाने हैं अपने पकौड़े, ठीक है? तो बड़ी मुश्किल होती है कसम से यहाँ बनाने में ना, मुझे नीचे बिल्कुल भी बैठ कर खाने पकाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है ना। तो इसमें थोड़ी सी ना मैंने ना मुझे कम लग रहा था मसाला, तो थोड़ा सा मैंने और भी इसमें डिप कर देना है, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
तो अभी जो ये देख लेंगे थोड़ा सा इसमें डाल के, कि अगर ये ऊपर आ गया ना तो समझ लो कि आपकी कढ़ाई जो ना, ये ऑयल जो है आपका गर्म हो गया। ये देखें जो ऊपर आ गया ना तो इसको हमने निकाल लेना है, ठीक है, नहीं तो पकौड़ों में ना बड़ा बुरा लगता है ये। चलो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना, ठीक है। चलो जी, और अभी जो ना मैंने ट्रे ले ली है, इसमें जो ना एक कागज लगा दिया, ठीक है, ताकि पकौड़े हमारे क्रिस्पी रहें, और यहाँ पर एक एक डिप डिप करके हमने इसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने डिप किया, मैं ये बता रही हूँ ना कि मुझे यहाँ पर ना बड़ी परेशानी होती है, बिस्मिल्लाह पानी नहीं। तो चले यहाँ पर एक एक करके हमने इसमें, छोटी मेरी कढ़ाई है, इतनी बड़ी नहीं है, तो अभी रमजान नहीं आए हैं, जैसे रमजान अभी शुरू हुआ तो वो भी है, कुंडे अभी तो शुरू हैं, तो जब कुंडे रमजान आना शुरू होंगे तो फिर मैं जो ना लेकर आऊंगी कढ़ाई। तो एक एक करके हमने डालते रहना है, और ताकि जुड़े ना आपस में, वैसे जुड़ेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी। चलिए जी, पकौड़े सारे बना लेते हैं और तल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार वाले पकौड़े जो ना बन रहे हैं आलू के। और अभी जो है ना, आपको पता ही है कि आजकल जो ना हमारे पाकिस्तान में गैस की बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं सिलेंडर जो ना इस्तेमाल करती हूँ, क्या करें, बड़ी परेशान हूँ। बस आप दुआ करें कि सबके घरों में ना गैस आ जाए, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, बहुत परेशानी हो जाती है, यकीन नहीं करेंगे। नीचे बैठ के मुझसे काम नहीं होता, और मुझे आदत है खड़े होके सारे काम करने, किचन में ना, ये देख रहे हैं ना ऊपर, यहाँ से ये सारा है ना यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है। तो आज जो ना यहाँ बन रहे हैं हमारे पकौड़े गर्मा गर्म, साथ में चटनी बनाई है पुदीने की। जिसको भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर चले जाइएगा नॉन वेज किचन, वहाँ पर आपको मज़ेदार वाली चटनी आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। जब तक मैं ये पकौड़े तैयार करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो बन चुके हैं जी पकौड़े, बहुत टेस्टी। आहा, ये गर्म गर्म है, लेकिन गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह से। मैं खाऊंगी जी अभी चटनी के साथ। आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, अभी रोजे नहीं है, रोजे में आप लोग बना लीजिएगा। बहुत टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है अल्लाह पाक की बरकतें नेमतें, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।